नमस्कार। चंदा के सिडकी श्रोता नई नई रोज बहार सुनो, तम नई नई रोज बहार सुनो, कर्ण और अर्जुन के युद्ध में होती हाहाकार सुनो। कौशिंदर और ऋषिपाल से दूसरा भाग सुनवाएंगे, हम दूसरा भाग सुनवाएंगे, जगबीर सिंह लश्करी और संगीत रिसाल बजाएंगे। हंसराज हारमोनियम में स्वर स्वरगम बजा दिखाएंगे, स्वर स्वरगम बजा दिखाएंगे, सिवाय चंदा के सिडके ये कहीं नहीं भी जाएंगे। प्रेमी श्रोतागण, जब मां कुंती परशुराम के दिए हुए 5 बाण कर्ण से दान में ले आई और उधार श्री कृष्ण ने एक चाल और खेली, इंद्र से कवच और कुंडल मंगवा लिए जो कर्ण के पास थे। मेहरबानों बताया जाता है कि उस सीने में छिलावट भी आ गई थी। तो दोस्तों, अब कर्ण के पास एक शक्ति बाकी रह गई थी जो इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में वो वज्र शक्ति दी थी। और मेहरबानों, श्री कृष्ण को ये बेरा था कि अगर कर्ण ने इस शक्ति को चला दिया तो अर्जुन को मैदान में खत्म कर देगा। इसलिए मेहरबानों, श्री कृष्ण ने फिर एक चाल खेली, घटोत्कच को मैदान में उतार दिया लड़ने के लिए। मेहरबानों, फिर क्या था, घटोत्कच आसमान से आग बरसाने लगा, दिन में अंधेरा हो गया। कहने लगा दुर्योधन, एक कर्ण देख क्या रहा है, इसको खत्म कर दे वरना कौरवों की सेना धूल में मिली जा रही है, हमारी बहुत बड़ी हार होगी, हमें नीचा देखना पड़ेगा। कर्ण ने कहा, दुर्योधन मान जा, इस शक्ति को मेरे हाथ से मत छुड़वावे वरना इसके बाद मेरे पास कुछ रह नहीं पाएगा, मेरी जान खतरे में मत डाले। मेहरबानों, दुर्योधन ने कहा, देख क्या रहा है, जब आज ही सेना नहीं रहेगी तो कल हम क्या लड़ाई लड़ेंगे। मेहरबानों, गुस्से में और दुख में कर्ण ने उस शक्ति का प्रहार कर दिया, घटोत्कच धराशायी हो गया। मेहरबानों, आज घटोत्कच की मां हिडंबा अपने बेटे की लाश पर किस तरह से तड़प रही है। अरे घटोत्कच की लाश पे माता हिडंबा रोई, तू छोड़ चला क्यों माता ने मेरे बेटे निर्मोही, मेरे बेटे निर्मोही, आज दुखिया रोवे जिंदगानी खोवे। मेरे
बेटे निर्मोही आज दुखिया रोवे जिंदगानी खोवे खटो तश की लाश प्रमाता हे डंबा रोई तू छोड़ चला तू माता ने मेरे बेटे निर्मोही मेरे बेटे निर्मोही आज दुखिया रोवे को देखकर
गिरधारी हंस पड़े और सारे पांडव हिडंबा हैरत में पड़ गए कि आज हमें इतना दुख है कि एक बहादुर हमारे बीच से उठ गया और फिर भगवान कृष्ण क्यों हंस रहे हैं। मेहरबानों भीम को तो इतना गुस्सा आया कि हाथ में गदा उठा ली। धर्मेंद्र सर कहने लगे, ओ भीम क्या कर रहे हो। मेहरबानों भीम ने पूछा, महाराज मुझे हंसी का कारण बताओ। हंसी आती है मुझको आजकल के इन कारनामों पर, दवा दर्द जिगर की ढूंढते फिरते हैं दुकानों पर। मेहरबानों कैसे उस हंसी का भेद बताया। दुखदाई बिना बताए वजह हंसी थी अभी तमें न पाई। बिना बताए वजह हंसी थी अभी तमें न पाई। मेरी हंसी आज यहाँ सभी ने होन लगी दुखदाई बिना बताए वजह हंसी थी अभी तमें न पाई। खतरे में तब सब की जान क्योंकि उसने लिए पांच उस परशुराम से बाण। उन पांचों बाणों में थे तम सब पांचों भाइयों के प्राण। कुंती माई बिना बताए वजह हंसी थी अभी तमें न पाई। अंदर की भक्ति अर्जुन के मारण की वे शक्ति ताकत रखती। अर्जुन के आगे आन दिया ना धनी चलाई युक्ति। उस शक्ति दमरता अर्जुन उस शक्ति दमरता अर्जुन फिर मर के तम भाई बताए वजह हंसी थी आज तमें न पाई।
सबकी खोपड़ी फोड़ दई करके दल में घोर अंधेरा पूरा खिचड़ी सिरोड़ दई क्रोध में आके कर्ण बलि ने फिर वा शक्ति छोड़ दई फटो तक्ष ने मर के आज इस घटो तक्ष ने मर के आज अरे जिनकी जान बचाई बिना बताए वजह हंसी की अभी तमें न पाई कलका पास नहीं कुछ उनके बिन मारे मर के सारे आज मारनिया अर्जुन के आज समझ रहा जिंदा तमने सुत का मरना सुन के घटो तक्ष तम जिंदा गया आज घटो तक्ष तम जिता गया आज गजब हसीन बिना बताए वजह हंसी की अभी तमें न पाई बिना बताए वजह हंसी की अभी तमें न पाई मेरी हंसी आज यहाँ सभी ने मेरी हंसी आज यहाँ सभी ने होन लगी दुखदाई बिना बताए वजह हंसी की अभी तमें न पाई साथियों तुम्हारा दुख और ये गुस्सा प्यार में बदल जाएगा हंस के ना सही रो रो के सही ये बुरा टाइम भी निकल जाएगा मेहरबानों कृष्ण ने सारा भेद बताया भीम अगर घटोत्कच को कौरव नहीं मारते तो वो कर्ण की शक्ति जो इंद्र शक्ति थी बज्र शक्ति वो समाप्त नहीं होती और भीम उस शक्ति से तो अर्जुन के प्राण खत्म होने वाले थे इसलिए घटोत्कच को भिड़वाया गया मेहरबानों कहने लगे कृष्ण बहन हिडंबा और मेरे भक्त पांडवों धैर्य धारण करो भविष्य की सोचो मेहरबानों फिर क्या था पांडवों में गुस्सा भर गया और जब द्रौपदी ने उस शब्द को याद दिलाया भीम इस दुशासन ने मेरी साड़ी खींची थी तुझे वो वक्त याद नहीं है कि जब ये दुष्ट मुझे नगन नचा रहे थे उस दिन को याद कर ले मेहरबानों युद्ध में हाहाकार मच गई और मौका पाकर भीम ने आज तो दुशासन को धराशायी बना दिया मेहरबानों छाती पर चढ़ गया और फिर क्या था द्रौपदी उस दिन को याद दिला रही है इस राज्य में कर उस दिन ने याद करने मैं रो रो कर रही खुशामंद तू बोल्या नी
नसीब होगी मन जो बोली बोली तेरे साल तक देख ले पापी न बनी रान सी डोली घटा पाप का भर जा तेरे पापों की हद होली मन करा था परन नीच थरी सभा तबारल काड़ी के मैं रो रो कर रही खुशाम तू बोला नी सकड़ सारा भेवान होया
पहलवानों घमासान युद्ध हो रहा था कर्ण और अर्जुन में। कर्ण ने तरह तरह के तीक्ष्ण बाण अर्जुन के सामने छोड़े, लेकिन अर्जुन आज उन बाणों को काटता चला जा रहा था। मेहरबानों आज कर्ण का रथ गार में धस गया, जमीन में पहिया जकड़ लिए। मेहरबानों कैसे कर्ण कहने लगा कि जरा ठहरो ओ धनधारी अर्जुन, तुम्हारे तो सारथी भगवान कृष्ण है, याद रखो धर्म को। क्षत्रिय का क्या धर्म है सुनिए। अरम रथ को खाड़ू मत मारे अर्जुन बाण ने, कर धर्म की लड़ाई, कर धर्म की लड़ाई, तू धर दे दी जमान ने, मैं रथ को खाड़ू मत मारे अर्जुन बाण ने, कर धर्म पहिया सुनो मेरी कृष्ण का नहीं यार जकड़ा धरती ने पहिया, देदी श्राप मन गैया, श्राप मन गैया, उस गऊ हरण दरमान में, मैं रथ को खाड़ू मत मारे अर्जुन बाण। I'm
ਪਹੀਆ ਰਜਬ ਨੂੰ ਉਖੜੇ ਨਾ ਪਹੀਆ ਬਣੇ ਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਿਆ खुशी तुम्हारे काम नहीं आएगी और याद मेरी भी अर्जुन एक दिन तुम्हें तड़फाएगी। मेहरबानो करण के पहिए जब जमीन में जकड़ लिए तो कहने लगा ए अर्जुन थोड़ी देर के लिए रुक जा, मैं इन पहियों को बाहर निकालू और तेरी मर्दानी देखूंगा। मैं निहत्ते पर वार मत कर। मेहरबानो अर्जुन का दिल धड़क गया। क्यों? धर्म की लड़ाई लड़ने वाले आज अधर्म करके कैसे वार करे। मेहरबानो सोच रहा था करण कि आज मुझे गाय तो नहीं सता गई। क्यों? दुर्योधन के साथ मैंने कमल नयन की गाय घेरी थी। मेहरबानो कहा ओ गिरधारी ओ धर्म के पुजारी होश में आओ धर्म की लड़ाई लड़ो। लेकिन कह दिया है करण खामोश हो जा। तुझे याद नहीं वो दिन कि जब द्रौपदी को सभा में नगन नचाया था तुमने, कहा गया था धर्म। और वो दिन याद नहीं तुम्हें? उस दिन को याद कर कि जब सातों ने अभिमन्यु को घेर कर मौत के घाट उतारा था। याद नहीं तुम्हें? मेहरबानो तरह तरह की बात और कैसे तुझे धर्म याद दिलाऊंगा मैं।
वो धर्म दूसरी बार अपने धर्म दूसरी बार अपने ठोकर पे ठुकराया जुआ खेल कपट का करके धर्मराज बहकाया मौके पे धर्म याद ना आया उसे भला और रजो सलाकी उसे भला और रजो सलाकी शादी खिंचवाई अंदर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई पल्ले झाड़ो थे अरे मैं बंधु था गठरी ने पर तम पल्ले झाड़ो थे धर्म का उस दिन धर के ताक में धर्म का उस दिन धर के ताक में सुई की नाक दिखाई अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई धर्म का नारा डरना कैसा धोखे की हार में डरना कैसा ऐसी हार भी जीत है टूटे दिल की तीसों में भी एक सुहाना गीत है मेहरबानों शरण के दुख भरे बोलों को सुनकर के आज अर्जुन की छाती दहल रही थी कहने लगा महाराज गिरधारी जी आज मेरे हाथ से पाप मत कराओ अधर्म मत कराओ मेहरबानों ये तो होना था कृष्ण कन्हैया कहने लगे ए अर्जुन पिछले दिनों को याद कर तुझे याद नहीं
लाखा भवन में इन्होंने क्या सलूक किया था, अभिमन्यु के साथ में क्या व्यवहार किया था और द्रौपदी को कितना बड़ा सम्मान दिया था, याद कर ले मेहरबानो। फिर क्या था, अर्जुन ने तहस में आके और अपने नील बाण को का प्रहार किया, मेहरबानो। फिर क्या था, करण धराशायी हो गए। दोस्तों युद्ध समाप्त हो गया और आज अर्जुन की सूरत को देखकर कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुमने आनंद महसूस किया है, अगर सच पूछो तो तुमने दान के द्वारे बंद कर दिए। करण दानी है और तुझे मैं बताऊं कितना दानी है। मेहरबानो सुनिए, रात में युद्ध स्थल पर पहुंच के तड़प रहे थे करण, वहां पर दान मांग लिया तो करण ने कैसे कह दिया, We'll be right back.
साथियों, कृष्ण अर्जुन को विश्वास दिलाने के लिए रात में रणभूमि मैदान में कर्ण के पास पहुंच गए। जब कर्ण आखिरी सांसों और आहों में तड़प रहा था, मेहरबानों दान मांग लिया। कर्ण ने उनके हाथ में ताली दे दी, घर चले जाओ। मना कर दिया, कर्ण तेरे हाथ से दान चाहिए तो एक काम करो, मेरे दांतों में सोना लगा हुआ है, इस पत्थर को लेकर मेरे दांत तोड़ के सोने को निकाल दो। मेहरबानों कह दिया, नहीं करण, हमें तेरे हाथ से चाहिए। वो लड़कता करण पत्थर को हाथ में ले लेता है और दोस्तों आज दानी में जैसे ही पत्थर अपने दांतों में मारना चाहे, और ठहर जा करण। बोल उठे कन्हैया, मेहरबानों, कह दिया अर्जुन, देखा, पैर पकड़ लेता है अर्जुन कि आज इस दुनिया से मैंने दान के द्वारे बंद कर दिए। मेहरबानों, कितना एहसास हो रहा था, सुनिए राजा जी। अरे करियो क्षमा करण मन, करिया गजब मार के दानी, तू पश्चाताप करे मत नायो, दुनिया आनी जानी। करियो क्षमा करण मैंने, करा गजब मार के दानी, पश्चाताप करे मत नायो, दुनिया आनी जानी। मैं वीर मरिया करते क्यों, पश्चाताप हुआ से। माफ करो भाई अर्जुन का, भटक रहा से प्राणी, इब के सोची अर्जुन तेरी हुई आज मनमानी। करियो क्षमा करण मैंने, करा गजब मार के दानी, तू पश्चाताप करे मत नायो, दुनिया आनी जानी। अरे
सूरी आज करे दान के द्वारे बंद मने मने मार इस मोह माया ते काटे मेरे फंद तने भूखे मरे बेकारी भाई ये पाप नहीं देह छानी तेरे हाथा मरण मेरा तने करी नहीं ना दानी करियो क्षमा करण मैंने तेरा गजब मार के दानी पश्चाताप करे मत ना यो ते दुनिया आनी जान कोढ़ी कंगले को सेंगे अपराध नहीं उकेगा यो छतरी का धर्म नहीं जो रण में जा चुकेगा थूके गायो जग सारा मन पड़ जा भूल चुकानी जो आया है गया एक दिन जग की रीत पुरानी सिंदर चंदा के सिड के फिर चारी मने हाथा ते करवागे गलती आज मुरारी ऋषि पाल को सिंदर चंदा के सिड के फिर चारी सारी दुनिया ता ना देगी सर पे चढ़गी हानी करण पर्व की श्रोताओ इब होगी बंद कहानी करियो क्षमा करण मैंने तेरा गजब मार के दानी तू पश्चाताप करे मत ना यो ते दुनिया आनी जानी तो श्रोताओं ये प्रोग्राम चंदा केसिन में सुन रहे थे। जय हिंद जय भारत। और आगे इस कहानी के बाद मेहरबानों शल्य पर्व सुनवाएंगे और मामा शल्य को धराशायी भी करवाएंगे।